भाई ने पूछा है जब रिकॉल खत्म होगा तो हम रिस्पॉन बीकन का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे रिकॉल खत्म होने का वेट करते हैं। सो यहाँ पे देखो रिकॉल टावर डीएक्टिवेट हो चुका है। अभी अपन ट्राई करते हैं। सामने यहाँ पे देखो मेरा टीममेट है। पहले तो अपन इसको नोक एंड फिनिश कर देते हैं। एंड यहाँ पे देखो रिकॉल टावर सारे खत्म हो चुके हैं। अभी अपन के पास है रिस्पॉन बीकन, तो इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे देखो मैं थ्रो अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे थ्रो करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टीममेट आता है कि नहीं यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम हुआ लेकिन टीममेट मेरा नहीं आया। यार जिनका भी ये डाउट था कि रिकॉल खत्म होने के बाद में रिस्पॉन बीकन का यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जैसे 3.2 अपडेट में गेम की सेटिंग में दो फीचर ऐड हुए हैं, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोनों को। तो पहला, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पिकअप में जाऊंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे देखो ऑटो रोप रिप्लेस मिली वेपन। सो अपन यहाँ पे देखो इनेबल डिसेबल इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फीचर को अपन यहाँ पे डिसेबल करके देखते हैं कि यहाँ पे देखो क्या होता है। तो अपन ने डिसेबल कर दिया। अब मैं जितने भी मिली वेपन उठा रहा हूँ सारे के सारे मेरे बैग में आ रहे हैं। लेकिन जब भी आप इसे इनेबल करके रखते हो तो यहाँ पे देखो जैसे मैं कोई भी मिली वेपन को पिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सेकंड जो मिली वेपन रहता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही चीज है जिनके लिए यहाँ पे देखो बैग फुल हो जाता है वगैरह वगैरह, ज्यादा मिली वेपन नहीं उठाने। तो बात करते हैं सेकंड फीचर की, जो कि आपको कंट्रोल के अंदर एडवांस कंट्रोल में नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे देखो स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड यहाँ पे देखो आपको। तो बात करते हैं इसे होता क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले यहाँ पे देखो इनेबल करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो जैसे मैं पीक करके स्प्रिंट लो करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा पीक ऑटोमेटिक यहाँ पे हट जा रहा है। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप डिसेबल करके रखते हो तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पीक वाला बटन यहाँ पे यूज है। एंड यहाँ पे इस ऑप्शन को आप डिसेबल करके रखते हो फिर भी आप स्प्रिंट लॉग में भी यहाँ पे पीक वाले बटन का यूज कर सकते हो। अगली ट्रिक की बात करें उससे पहले थैंक यू सो मच जिसने यहाँ पे लाइक कर लिया। सब्सक्राइब तब कर सकते हो जब आप वीडियो एंड तक देखो और आपको कुछ भी पसंद है। क्या बीजीएमआई टूर्नामेंट खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो? ये वाला पार्ट एंड तक देखना। ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग का 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड है और 10 करोड़ की विनिंग बांट चुका है। एंड यार इस ऐप की सबसे अच्छी बात तो ये कि आपको काफी ड्राइव के टूर्नामेंट मिल जाते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट में जीरो वेटिंग टाइम है यार। हाँ, इस ऐप में आपको कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, बस अपना क्लासिक रैंक खेलो जो कि आप रोज ही खेलते हो। एंड सो स्ट्रॉन्ग खुद ही किल डिटेक्ट करके आपको पैसा दे देगा, तो यहाँ से रोज बीजीएमआई खेल के पैसा जीतना तो गारंटीड है यार। और तो सो स्ट्रॉन्ग की एंटी चीट इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। तो यार सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, लिंक से डाउनलोड करो। पहले 1000 यूजर को 600 रुपए बोनस बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिससे आप टूर्नामेंट खेल सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री। पाएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और यार सबसे मजे की बात तो ये है, जो भी पैसे जीते हैं गूगल पे पेटीएम फोन पे यूपीआई से आप विड्रॉ कर सकते हो इंस्टेंट। मोगेम्बो खुश। तो यार अब देर किस बात की, तो डाउनलोड करो फटाफट और जीतो डेली के 5 लाख रुपए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, अभी जाके डाउनलोड करो। अपडेट में अपने को आर्मा में एक लेविट्रॉन स्ट्राइडर देखने को मिलता है। तो जब भी इन तीनों में यहाँ पे पेट्रोल खत्म होता है तो अपने को यहाँ पे देखो 5 असेंबली बेस दिखते हैं, इन पे जाना पड़ता है, जो कि भाई बहुत रिस्की होता है। एनिमीज रहते हैं बिल्कुल रॉन्ग है अगर, क्योंकि असेंबली बेस में बहुत सारे एनिमीज रहते हैं। तो जब भी आपको पेट्रोल खत्म हो तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, ये जो पेट्रोल है आपको फ्यूल स्टेशन पे जाना है। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो आपको 1 टोकन देना है एंड आपका यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे फ्यूल फिलअप हो जाएगा। बट याद रखना, लेविट्रॉन स्ट्राइडर को अगर आपने अटैच कर रखा है तो दोनों को बारी बारी यहाँ पे फ्यूल भरना पड़ेगा, देख सकते हो जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इवन अगर आपको फ्यूल स्टेशन पे नहीं जाना है तो आपके पास यहाँ पे देखो गैस कैन तो होना ही चाहिए, आप उससे भी यहाँ पे फ्यूल भर सकते हो। ये चीज आपको पहले से पता थी या नहीं कमेंट में जरूर से बताना, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हो। 3.2 अपडेट में जिनका ये डाउट है कि अगर आर्मा में कोई भी एनिमी ब्लास्ट करता है तो हमको डैमेज होगा, तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, बस वो फट जाएगा लेकिन आपको डैमेज नहीं होगा। अपडेट में अगर एनिमीज आपको नो करता है और आपके पर्सनल एआईडी है तो बिल्कुल यार मूव मत करना, क्योंकि मूव करोगे तो यहाँ पे देखो ये यूज ही नहीं होता है। एक जगह आपको शांति से जस्ट एक जगह रह के ही यहाँ पे देखो इसका यूज कर सकते हो, यहाँ पे मूव हो गए तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाएगा, तो याद रखना इसका भी। तो जैसा कि आपको मेरे थ्रू पता ही चल गया कि पर्सनल आईडी को आप एक ही बार अपने बैग में रख के यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड रखना है तो आप यहाँ पे व्हीकल का यूज कर सकते हो, व्हीकल स्टोरेज का। तो कमेंट बताना ये वाली चीज आपको पता थी कि नहीं। अगर आपको कहीं भी फास्टली जाना है या आपके पास एनिमीज लगे तो ये गलती मत करना कि आप जंप करोगे, जंप वाले बटन का यूज करोगे ना तो सेकंड के लिए बहुत स्लो हो जाता है, जिससे एनिमीज मार देंगे आपको। अगर आपके पास जेट पैक है तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना, आप मिस्टेक करते हो कि बहुत सारे बंदे क्या ऊपर से एग्जिट करेंगे तो सोचेंगे डैमेज नहीं होता, तो भाई आप नोक एंड फिनिश हो जाओगे। अगर आप एंड आपको ये पता है अगर बाइक है तो आप यहाँ पे देखो हीलिंग यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास बग्गी या कोई भी व्हीकल है तो भी यूज कर सकते हो, और आपके पास कोई भी कार है तो भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपके पास जेट पैक है तो आप हीलिंग बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो कोई सी भी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं हीलिंग यूज करने के लिए बस मेरे को एक जेट लीव वाले बटन का। आपको पता होगा कि यहाँ पे जेट पैक को हम सिर्फ एक ही उठा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक से ज्यादा नहीं। तो अगर आपको अनलिमिटेड उठाना है तो आप व्हीकल स्टोरेज का यूज कर। मिस्टेक, अगर आपके पास जेट पैक है तो भी आपको एनिमीज किल कर सकता है, तो ये वाली चीज आपको पसंद आए तो कर सकते हो, लाइक कर दो यार।
बिल्कुल भी ये वाली मिस्टेक मत करना। 3.2 अपडेट में अगर आपको ओपन में रस करना है तो आप कुछ इस तरीके से स्टोन को यहाँ पे बना सकते हो आपका कवर एंड एनिमीज को मार सकते हो। बहुत इजी ट्रिक है जिससे आप कवर बना सकते हो। यहाँ पे देखो 10 सेकंड के लिए रहता है ये सिर्फ। 3.2 अपडेट में ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। आपका जो पैराशूट वाला बटन है ना इसको विजिबल कर लेना वरना आपको दिखेगा ही नहीं और आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में मैंने सारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर दी। 3.2 अपडेट में अगर कोई भी ओल्ड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टेक केयर, बाय बाय।